नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। रीवा टीआरएस कॉलेज की छात्रा हुई लापता। एनएसयूआई संगठन ने रीवा एसपी को सौंपा ज्ञापन। जी हां, आपको बता दें, जहां टीआरएस कॉलेज की एक छात्रा लगभग 8 दिन से लापता है, जिसकी शिकायत लेकर एनएसयूआई छात्रा संगठन ने रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जल्द से जल्द छात्रा को ढूंढने में प्रशासन मदद करे। एनएसयूआई छात्र संगठन द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया है कि टीआरएस कॉलेज की द्वितीय वर्ष के छात्रा कुमारी अंजलि पांडे उर्फ आंचल, पिता लक्ष्मण प्रसाद पांडे, हमेशा की तरह टीआरएस कॉलेज में पढ़ने के लिए आती थी। जी हाँ, लेकिन 8 दिन से वह घर नहीं पहुंची। वहीं बताया जा रहा है कि लड़की अभी भी फोन में अपनी माँ से बात कर रही है और कह रही है कि मम्मी मुझे बचा लो, मैं बहुत दूर आ गई हूँ। देखिए, एनएसयूआई संगठन ने एसपी ऑफिस पहुंचकर मीडिया को क्या बताया और रीवा एसपी नवनीत भसीन का इस विषय में क्या कहना है। देखते रहिए प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज, आपकी खबर हमारी नजर। का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन अंजलि पांडे के सम्मान में, बहन अंजलि के। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन अंजलि पांडे के सम्मान। से बात भी हुई है पापा की, उनकी तो बात भी हुई, तो बोली कि क्लास नहीं है पूरी शाम तो वो पिछले कई दिनों तो लापता है, उनका नंबर ही बन गए। बीच में किसी नए नंबर से उन्होंने एक बार कांटेक्ट किया था और अपने घर वालों को बताया कि 19 वर्षीय छात्रा जो अभी अपने घर पे नहीं पहुंची है, उनके विषय में जानकारी प्राप्त हुई है अभी, और जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल थाना रायपुर को भी उसमें बताया गया है और साइबर सेल को भी उसमें शामिल किया गया है। जैसा कि उन लोगों ने बताया, जिस नंबर से बात हुई है तो उसको देखते हुए और दोनों को बताया गया है कि उनको शीघ्र से ट्रेस करें और जो भी और इन्फॉर्मेशन उनके पेरेंट्स से मिल सकती है उनसे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इससे कि जल्दी उनको वापस ला सके। आज हम लोगों ने एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है। विगत कई दिनों से 14 तारीख से, जो कि 14 दिसंबर से, टीआरएस कॉलेज की एक छात्रा लापता है, जिसकी कार्यवाही मढ़ी अंतर्गत रायपुर करचुलियाल अंतर्गत थाना आता है, वहां पे उसके परिजन ने रिपोर्ट डाला था 14 तारीख को ही शाम को। 14 तारीख को लड़की आती है कॉलेज में, क्लास लेती है। क्लास लेने के बाद शाम को उसको घर जाने का जब टाइम होता है, वो घर के लिए रवाना होती, लेकिन वो घर नहीं पहुंचती है लड़की। उसके बाद रायपुर करचुलियाल में उसके परिजन जाते हैं थाने में और शिकायत दर्ज करते हैं कि हमारी लड़की घर नहीं पहुंची है। उसके बाद वहां पे पुलिस थाना में कोई, आज दिनांक 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, कोई कार्यवाही नहीं होती। आज हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं। नाम लड़की बीएससी फर्स्ट ईयर कर रही थी, अंजलि पांडे नाम है उसका। वो विगत 10 दिनों से गायब है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वो लड़की फोन भी करती है, लड़की ने फोन भी किया दूसरे दिन सुबह अपनी माता बड़ी बहन को कि मम्मी मैं बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे बचा लो। इतना कहने के बाद वो फोन कट जाता है, फोन बंद हो जाता है। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, इसलिए हम लोग आज एसपी साहब के पास आए हैं। हम लोग टीआरएस कॉलेज के हैं, एनएसयूआई वाले हैं। हम सब उस छात्रा के लिए जो गायब हुई है, हम चाहते हैं कि उसमें जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई हो, अन्यथा हम 3 दिन के अंदर कॉलेज में भी तालाबंदी कर देंगे। अगर लड़की के जानकारी नहीं मिलती है कहाँ गायब है, क्या हुआ उसके साथ, जो भी हुआ है उसको सामने आए और उसकी जांच हो जल्द से जल्द। एसपी महोदय से यही हमारी मांग थी। आज एसपी साहब से मेरी मुलाकात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं अभी थाने में बुलवा रहा हूँ, जिस नंबर से फोन आया था उसको ट्रेस करवा रहा हूँ और कॉल डिटेल निकलवा रहा हूँ। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ एसपी साहब से कि इस पर कार्रवाई करिए, अन्यथा हम 3 दिन के अंदर कॉलेज के गेट में ताला बंद कर देंगे।